बिल्डर के बेटे ईशान गुर्जर के अपहरण और मारपीट की आरोपी श्रुति शर्मा को पुलिस ने क्लीन चिट देने की तैयारी कर ली है। 9 महीने से फरार चल रही श्रुति ने साथियों के साथ मिलकर ईशान का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की थी। जान बचाने के लिए ईशान चलती कार से कूद गया था। पुलिस ने श्रुति पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। आरोपी को क्लीन चिट देने के अफसरों ने केस डायरी अवलोकन के लिए चूना भट्टी थाने से CSP TT नगर को सौंप दी है, जबकि DPO सलाह दे चुके हैं कि FIR से नाम हटाने का निर्णय कोर्ट लेगा। गंभीर मामलों के अपराधियों को कुछ ही घंटों या दिनों में गिरफ्तार करने वाली पुलिस को श्रुति चुनौती दे रही है। विधानसभा के पूर्व सचिव सत्यनारायण शर्मा की बेटी श्रुति और उसका साथी हैदर अली 9 महीने से फरार है, लेकिन पुलिस उनका सुराग नहीं लगा सकी। इस मामले में पुलिस श्रुति के साथी फरहान समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गंभीर रूप से घायल ईशान ने बताया था कि श्रुति और फरहान ने चूना भट्टी से अपहरण किया था। इसके बाद उसे इधर उधर घुमाते रहे और मारपीट की। उनसे जान बचाने के लिए उसने चलती कार से छलांग लगा दी थी। ईशान की हालत आज भी ठीक नहीं है। पुलिस राजनीतिक दबाव के चलते उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है।